जी आज हम आपके साथ बबली मैम के साथ हम लोग टीजीटी संस्कृत की एक मॉक डेमो इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू के साथ हम ये देखेंगे कि ये कितना तैयार है, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी पूर्ण तैयार तो नहीं होता, लेकिन एक इंटरव्यू में जाने से पहले हम एक पैनल की तरह माहौल देकर ये खुद का ये मूल्यांकन करना चाहेंगे कि कितना है, और आप भी मूल्यांकन करिएगा। और आप सभी अभ्यर्थियों को जो दूर दराज से हैं, जिनके घर शहरों से दूर हैं और एक इस बात से डर रहते कि सर हम इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे, इंटरव्यू में हमारा कहाँ तक क्या हो पाएगा, उनके लिए ये वीडियो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो हम सभी चाहेंगे जितने भी लोग इसमें बने हैं वो भी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बबली मैम के साथ भी बने रहें और लास्ट में उनका भी मूल्यांकन करें। बबली मैम, आपका स्वागत है इस मॉक इंटरव्यू में। आप अपना परिचय दें, अपने बारे में हमें बताएं। बबले, मम पत्युः नाम श्री सुनील कुमार, मम एकात्रिवर्षीया दुहिता अस्ति। मम परिवारे दश सदस्याः सन्ति। मया शैक्षिकदृष्ट्या स्नातकोपाधि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयतः वर्जिता। मया शिक्षा शासनोपाधि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयतः प्राप्ता। मम प्रिय विषय संस्कृतम् अस्ति। धन्यवाद। मैम, क्या इस तरह से संस्कृत में जो हम आपने अपना परिचय दिया, अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा संस्कृत ना समझ पाए, या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आप बुंदेलखंड से हैं, जिस राज्य में आपका पोस्टिंग हो वहाँ पे तमिल लोग बोलना जानते हो या मलयालम बोलना जानते हो, आप उन्हें अपना परिचय संस्कृत में देने के लिए कैसे प्रेरित करेंगी, या कैसे उन्हें बताएंगे कि वो अपना परिचय संस्कृत में भी दे लें, या आपके संस्कृत भाषा से उन्हें कैसे आप जोड़ पाएंगे? सर, मैं अपने संस्कृत भाषा को सरल और सहज उनके सामने प्रस्तुत करूँ, जिससे बच्चों की रुचि एक्टिविटी के रूप में उनके सामने, जिससे मैं सरल कर सकूँ अपने विषय को, उनकी रुचि बढ़ा सकूँ, नए नए तरीकों को उनके सामने प्रस्तुत करूँगी, जिससे उनकी रुचि बढ़े संस्कृत की तरफ। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी उनको, जो उन्हें शब्द नहीं आ रहा है संस्कृत में, थोड़ी मैं इंग्लिश की सहायता से उनको बता सकती हूँ। आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो केवल संस्कृत ही सीखना चाह रहा हो और वो कह रहा हो कि नहीं, मैं मुझे सोशल नहीं पढ़ना है, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मुझे केवल संस्कृत ही पढ़ना है, उस बच्चे को आपका क्या सुझाव रहेगा? सर, मैं उन्हें संस्कृत में ही पढ़ाऊंगी, उन्हें बस यही है कि मैं उसे इतना सहज तरीके से पढ़ाऊं कि वो समझ सके संस्कृत। मैं अपने विषय को इतना रुचिकर बनाऊं जिससे बच्चा सामान्य तरीके से समझ ले। संस्कृत को मातृभाषा क्या बनाई जा सकती है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि संस्कृत देववाणी है, मतलब जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, हमारी भाषा ही संस्कृत थी, वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी हो गई है। तो हम इससे कुछ, हाँ, अगर चाहे, अगर बच्चा बोलना चाहे तो सब कुछ बोल सकता है। आप कोई ऐसे राज्य बचाए जहाँ की मातृभाषा संस्कृत हो? क्या भारत में कोई ऐसा भी राज्य है जहाँ की मातृभाषा संस्कृत है? नहीं सर, मुझे तो पसंद नहीं है द्वारी, प्रथम द्वितीय भाषा के रूप में क्योंकि राष्ट्र राजभाषा, मतलब किसी भी राज्य की जो राजभाषा होती है। राजभाषा नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। मैम, ये बताइए कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम था, हमने बहुत नाम सुना है इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम का, ये वास्तव में था क्या? ये नाटक है जो कालिदास द्वारा रचित है,
इसमें दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह का वर्णन है। इसमें प्रकृति का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ही शकुंतला की जब विदाई करती है, मानो प्रकृति ही बोल रही हो। पौधे, पशु, पक्षी, बिल्कुल सजीव वर्णन किया गया है। मैम, ये जो कालिदास जी की रचना है इसका किसी कक्षा में क्या उपयोग है, मान किसी कक्षा के व्यक्तित्व के विकास में या सार्वजनिक विकास में, ये संस्कृत साहित्य की या कालिदास जी की जो रचना है इसकी क्या रोल है? सर, इसमें प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन है कि बच्चे को हम प्रकृति के बारे में इस नाटक के द्वारा हम बच्चे को संस्कृत के बारे में प्रकृति से पास ला सकते हैं। प्रकृति के बिल्कुल पास नदी, झरने और जो इसमें एक शिक्षा दी गई है। इसमें जब कर्ण अपनी शकुंतला की विदाई करते हैं अपनी, तो कैसे वो अपनी बेटी ना होते हुए भी वो अपने कितना स्नेह से कर्तव्यों को बताते हैं सब। जैसे मैम, अगर हम बायो पढ़ते हैं तो हम समाज में डॉक्टर देते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ते हैं तो इंजीनियर देते हैं, और हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफिकल देते हैं, जहाँ की भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे कब ग्रहण लग रहा है, तो साइंटिस्ट से या खगोल विज्ञान से हमें समाज को फायदा मिलता है। एग्रीकल्चर जो पढ़ते हैं वो हमारे किसानों की मदद करते हैं, तो संस्कृत पढ़ के हम इस समाज में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? जैसे अलग अलग विषयों की अपनी अपनी भूमिका है जो हमें समाज में देनी पड़ती है, तो उस प्रकार संस्कृत की क्या भूमिका है जो आपको लगती है कि संस्कृत पढ़कर हम समाज में इस देश के लिए कुछ बेहतर और बड़ा कर सकते हैं? सर, जहां तक मेरा मानना है, संस्कृत नैतिक, आदर, सम्मान सब कुछ संस्कृत से ही है। संस्कृत से ही हम अपनों से बड़ा का सम्मान, छोटों को रिस्पेक्ट सब संस्कृत से दे सकते हैं। संस्कृत हमारी जननी है और संस्कृत से ही हम बड़ों का सम्मान, अच्छे बुरे का, सज्जन दुर्जन हर चीज का समझ सकते हैं। संस्कृत में हमें एक अलग ही नैतिक विकास होता है जो हमारा और किसी भाषा में नहीं होता। मैम, त्रिपादी क्या था? ये अष्टाध्यायी सर, मुझे जितना मुझे ध्यान आ रहा है, ये अष्टाध्यायी का त्रिपादी सूत्र मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, महाभाष्य मुझे इतना दीपिका, याद नहीं। महाभाष्य दीपिका सुना आपने? महाभाष्य दीपिका ये भृत हरि की रचना थी, शायद आपको ध्यान न हो, भृत हरि जी की रचना थी ये, शायद हो सकता है आप भूल रहे हो, कोई बात नहीं। पर मुझे याद नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, ये गायत्री मंत्र जो है, महाभारत तो मैम ये गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? इस सूर्य देवता को, इसका संकलन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? पर मुझे ये तो याद नहीं आ रहा। अच्छा मैम, चलिए कोई बात नहीं। अष्टाध्यायी की जो रचना पाणिनि ने की थी, उस समय उनके मन में ऐसा क्या है, उन्होंने एक अष्टाध्यायी बनाया होगा, लिखा होगा, उन्हें ऐसा क्या लगा उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा? पहले तो उन्होंने शिव जी की आराधना की जिससे उन्हें 14 महासर्ग सूत्र मिले। फिर इसके बाद में उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की जहाँ पर व्याकरण की संपूर्ण व्यवस्थित एक किरण में किया है उन्होंने, जो वर्णमाला है, प्रत्याहार है, उनको एक अलग ही किरण में उनकी रचना की है। जो कल्हण जी की रास तरंगड़ी थी, शायद आपने सुना और पढ़ा होगा, वो उसमें क्या संकलित है और उसे आज हमें क्या समझ में या सीखने को मिलता है? सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। सबसे
पुराना जो है हमारा प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ऋग्वेद। पुराण और वेद में क्या अंतर है? पुराण और वेद में क्या अंतर है? पुराण 18 है, वेद 4 है। तो मेरा सवाल यह था मैम कि सबसे पुराना जो पुराना पुराण जो है प्रमाणिक पुराण वो क्या है? पर मुझे कोई बात नहीं मैम, कोई एक ऐसी पुस्तक बताइए संस्कृत साहित्य की जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय लगती हो और क्यों? मेघदूतम। मेघदूतम क्यों? क्योंकि वहां पर महाकवि कालिदास ने यक्ष को एक बिरही के रूप में, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैम मेघदूतम से और रघुवंशम में अगर देखा जाए तो दोनों में सबसे बेहतर आपको कौन और क्यों लगते हैं? सर मैंने अभी रघुवंशम तो नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने मेघदूत ही पढ़ी है, तो मुझे मेघदूत के बारे में पता। आपने मैम पढ़ा होगा संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के बारे में या उनके योगदान के बारे में आपने पढ़ा होगा। संस्कृत में पंडिता क्षमा राव सर मैंने उनका नाम तो पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं। नाम तो मैंने देख पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं। आधुनिक काल के किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं के बारे में आप बताओ उनका नाम। आधुनिक काल के किन्हीं तीन संस्कृत लेखिका जिन्हें आप जिनसे आप परिचित हों? सर मैंने तो अभी एनसीईआरटी में ही पढ़ा है, लेकिन अभी जैसे तो मैंने अच्छा मैम एनसीईआरटी का कोर्स और जो यूपीटीजीटी में जितने ग्रंथ हैं वो ही पढ़ा हूँ। तिरुमलांबा अच्छा तिरुमलांबा किसकी रचना थी? तिरुमलांबा किसकी रचना थी? नहीं, तिरुमलांबा अच्छा संस्कृत में कौन सा खंड आपको बेहतर लगता है अगर हम व्याकरण की बात करें साहित्य की बात करें या आधुनिक साहित्य की बात करें तो क्या आपको संस्कृत में कौन सा बेहतर लगता है आप खुद के लिए और औरों बच्चों के लिए? बैकग्राउंड अच्छा मैम उपनिषद के बारे में आपने सुना है या पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं है मैंने अभी, उसके बारे में पढ़ा है आपने उपनिषद के बारे में? नहीं अभी नहीं देखा मैंने। अच्छा उपनिषद में नारियों का योगदान क्या था? क्या आप बता सकती है कि नारी क्योंकि आप भी एक महिला हैं तो उपनिषद में महिलाओं का योगदान क्या था? सर मैंने उपनिषद के बारे में तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन नारी नारी के बारे में बता सकती हूँ। देखिए मैं आपके एनसीईआरटी से ही सवाल कर रहा था, मुझे लगा कि आपके सिलेबस से होगा आपने देखा होगा। अच्छा संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की जो महिलाओं की योगदान के बारे में कुछ मैं बता सकती हैं आप? दक्षिण भारत की एनसीईआरटी में मतलब आपने पढ़ाई होगा तो मतलब आप कल को सरकारी शिक्षिका बनने जा रहे हो टीजीटी में, हो सकता है कि पोस्टिंग दक्षिण भारत में हो जाए तो कुछ संस्कृत साहित्य में जिनका योगदान रहा हो नारियों का महिलाओं का उनके बारे में। हाँ, पंडित रमाबाई है, पंडिता रमाबाई है, और है पंडित चलिए कोई बात नहीं। अच्छा संस्कृत कि जो पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के किसी एक लेसन का नाम आपको याद है? पहला जैसे कोई जो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से ही कक्षा कुछ पर्यावरण बुद्धि बलवती और स्वाकालीन और
अमीन। किस काल के संस्कृत साहित्य को आपको अगर कहा जाए कि बच्चों को समझने के लिए या बच्चों को कल के भविष्य के लिए बेहतर होगा, तो किस काल के संस्कृत साहित्य को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? मैं यही कि संस्कृत को तो समझना बहुत ही हमारी प्राचीन भाषा है, इससे ही आई है, संस्कारों की भाषा है। तो मैं इसे कालिदास के ग्रंथों से ही बहुत सरल और ओजमय, इतनी सरलता से उन्होंने पढ़ाया है। हर कोई उनका जो है बहुत सरल ही है, कोई भी ग्रंथ उन्होंने लिखा है हर एक सरल ही है, वेदर की रीति में लिखा है तो कोई कठिनाई नहीं है। अगर आपकी कक्षा कक्ष में पढ़ाने के बाद उनको संस्कृत भाषा को बोलने के लिए रिवीजन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग आप करेंगी? कहाँ से बताएंगे बच्चा घर पर जाए संस्कृत सुनने और बोलने के लिए प्रैक्टिस कर सकता है या उसके माध्यम का कोई व्यवस्था हो जाए, तो क्या आप प्राथमिकता देंगे किस चीज़ को? सर पहले तो मैं बच्चे की रुचि देखूंगी, उसकी रुचि किस चीज में। अगर उसकी संस्कृत भाषा में रुचि है तो मैं पहले उसे सरल और वो छोटी छोटी उसमें तोड़ के उसे समझाऊंगी। और एक थोड़ा पहले उसे दूंगी, जब उसकी उसमें पकड़ अच्छी हो जाएगी तो मैं उसे फिर अच्छे से पढ़ने के लिए कंप्यूटर डिवीजन के लिए बोलूंगी। पहले तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके, अगर बच्चे को संस्कृत समझ में नहीं आ रही तो एक्टिविटी के माध्यम से मैं उसे समझा सकती हूँ। कोई शब्द ऐसा है कि उसे नहीं आ रहा है तो मैं उसकी अलग अलग तरीकों से मदद करके और उसे समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे बच्चा सहज और अच्छे से समझ से बोल सके। संस्कृत में जो समाचार आते हैं उससे संस्कृत भाषा में कैसे मजबूती लाई जा सकती है? सिर्फ रोज निरंतर उसका अभ्यास करने से ही मजबूती आएगी। अगर आपने हम अभ्यास करना बंद कर देंगे तो मैंने आपने हाल ही में कौन सा संस्कृत का समाचार सुना? संस्कृत में कौन सा समाचार सुना? सुधर्मा कितने बजे का कार्यक्रम है ये? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक कर्नाटक से होता है तो इतना मुझे पता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संस्कृत साहित्य के बारे में, और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। संस्कृत में और हिंदी में लिंगों की संख्या क्या बराबर होती है? नहीं सर, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। क्यों? वहां पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आपकी आवाज कट रही है और नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद आपकी आवाज रुक रही है। मेरी आवाज अब आपको साफ आ रही है ना? हाँ सर, साफ आ रही कक्षा है। कक्ष में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 5 चीजों के नाम संस्कृत में हमें बताएं। श्यामला, मर्जनी, जी बताएं। और
सुधा पंडा और अंतरिका। आपकी आवाज़ कट रही है तो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और आपकी आवाज़ कट रही है और शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। थैंक यू बबली जी, और आपको बेस्ट ऑफ लक। एक डेमो मॉक इंटरव्यू था इसका, हो सकता है यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में आ जाए और इसी तरह के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही होगी, नहीं कट भी रही होगी। तो जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप भी चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यू देना, तो नीचे एक नंबर चल रहा है इस कॉल में, उस पर नंबर पे क्लिक कर कर आप भी फ्री मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आपके सर्वांगीण विकास हो और आपकी जहाँ कमियाँ आ रही है उस कमियों को हम बेहतर करने का प्रयास करें। आप भी इनका मूल्यांकन करें और कोशिश करें कि अगर 30 में अगर आपको मार्किंग करनी हो तो आप इसमें कितने मार्क्स देते हैं, या 50 में अगर इनको मार्क्स करने हो तो 50 में बबली जी को आप कितने मार्क्स देते हैं, कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करिएगा। और आप भी कोशिश करिएगा कि इस पूरे जो मॉक इंटरव्यू है इसे पूरा खुद भी देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखने के बाद आपने क्या सीखा, क्या आपको बेहतर लगा, क्या इसमें सुधार की जाती है की जा सकती है, इस पर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपका देना चाहते हैं और आप चाहें तो ई-लर्निंग पे दरगेज इंस्टाग्राम पर आप अपना नाम मैसेज कर सकते हैं, अपने जिले का नाम, और आप भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछे सकते हैं, हो सकता है यही हूबहू सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है, आपके कमियों को आपको पहचानना है। इस वीडियो को खुद भी आप देखिएगा, कई बार देखिएगा और मूल्यांकन करिएगा, और आप भी हमारे साथ इस इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में जुड़ सकते हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क है। और हम आपको जल्द की कामना करते हैं, और हम बबली मैम को भी उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करेगा अगली बार वो हमसे सहायक शिक्षिका और एक सेलेक्ट शिक्षिका के रूप में हमसे इंटरव्यू दें और सिलेक्शन के बाद। और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, और जब भी मुझे मौका मिलता है हम आपके लिए निशुल्क सेशन लेकर आते रहते हैं। प्रतिदिन क्लास की टाइमिंग के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सभी क्लास की वीडियो, लेक्चर, नोट्स सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर एक और नए मॉक इंटरव्यू के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।